बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर। बिहार बोर्ड 10th 12th 2022 को लेकर अभी अभी न्यू सूचना जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, बिहार के 4 मंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 21 तारीख तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिया जाएगा। जी हां, बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन लिया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। मैट्रिक या इंटर के छात्र हैं तो यदि आप सभी के बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन लेने की तैयारी की जा रही है। जी हां दोस्तों, यहां पर दोस्तों आपको पता ही होगा कि बिहार में प्रतिदिन कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की केसेस बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बहुत सारे स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, यहां पर बात करेंगे दोस्तों, आपको बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं अन्य मंत्रीगण के साथ बैठक की गई, उसके उपरांत फैसला ली गई है। बिहार के सभी स्कूलों कॉलेजों एवं कोचिंग संस्थानों को 21 जनवरी तक पूर्ण रूप से बंद करने का ऐलान किया गया है। जी हां दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे, सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि आपको पता ही होगा कि बिहार के बहुत सारे जिलों के ऐसे बहुत स्कूलों एवं कॉलेजों में कोरोना की टेस्टिंग चलाई जा रही है, जिससे पता चलेगा कि अधिकांश स्कूलों एवं कॉलेजों में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, जिसके कारण सभी स्कूलों कॉलेजों एवं कोचिंग संस्थानों को तुरंत बंद किया जाए। जी हां दोस्तों, इस पर बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक करके आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए चैनल को। दोस्तों यहां पर बात करेंगे, आगे पूरी जानकारी आपको देंगे, वीडियो को पूरा बने रहे लास्ट तक। दोस्तों अगर आप एक बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में छोटी से लेकर बड़ी अपडेट तक मिलता रहेगा सारी जानकारी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करें और ज्वाइन हो जाए। सभी स्टूडेंट्स, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको अपडेट भी अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों आपको बताते चले कि इंजीनियरिंग कॉलेज गया में कोरोना चेकिंग के दौरान कुल 80 छात्रों को कोरोना टेस्टिंग किया गया, जिसमें से 20 छात्र रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, बिहार के और भी जिला के बहुत सारे कॉलेजों में कोरोना टेस्टिंग करवाया गया, जिसमें से बहुत सारे छात्र रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके कारण यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बड़ा फैसला लिया जा रहा है। जी हाँ, इसी को देखते हुए बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने विज्ञापन जारी कर बिहार के सभी स्कूल एवं कॉलेजों को कोचिंग संस्थानों को 21 जनवरी तक बंद करने का पूर्ण रूप से आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर बात करेंगे और साथ ही साथ सभी स्कूलों कॉलेजों एवं कोचिंग संस्थानों में यह आदेश भी दिया है कि सभी छात्र का पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से कराया जाए। जी हाँ, यह सबसे बड़ा अपडेट है। दोस्तों आप लोग वीडियो को अपने निजी फ्रेंड दोस्तों को जरूर शेयर करें। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अगले महीने मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा, परंतु आपको यह पता ही होगा कि पिछले बार लॉकडाउन के कारण बहुत सारे स्कूलों एवं कॉलेजों ने पूरी तरह से सिलेबस पूरा नहीं करा पाया, जिसके कारण बहुत सारे छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आपको बताते चले कि बिहार में इसी प्रकार से कोरोना की तीसरी ओमिक्रॉन की प्रतिदिन केसेस बढ़ती जा रही है, सभी का बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगा, फिर सीधे प्रमोटेड भी की जाएगा। ठीक है, ऐसे उम्मीद जताया जा रहा है कि इसकी सूचना बहुत जल्द जारी की जाएगी। जी हाँ, ऑनलाइन आप लोगों का परीक्षा लिया जाएगा और सीधा प्रमोटेड भी किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी सूचना जताई जा रही है बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए। यह सबसे बड़ी खबर है। आप लोग क्या चाहते हैं, बिहार बोर्ड का परीक्षा जो है सीधा डायरेक्टली ऑनलाइन लिया जाए, या डेट आगे बढ़े, या आपको सीधा प्रमोट किया जाए, इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे मैसेज करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों यदि अगर आप 80 से 85% अंक लाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी किताब का जरूर सहारा लीजिए। एनसीईआरटी किताब में सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर में आएंगे। ठीक है, बोर्ड पेपर में बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने भी स्पष्ट रूप से ट्वीट कर बोला है कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर 80 से 85% तक नंबर जो है बोर्ड के पेपर एनसीईआरटी के पेपर क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों इस बात का, एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ें। ठीक है, यदि अगर आप मॉडल पेपर नहीं खरीदें तो फटाफट खरीद लीजिए। ऑनलाइन डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन मॉडल पेपर इंटरनेट वाला ऑनलाइन नहीं, आप लोग सीधा ऑफलाइन दुकान से खरीद लीजिए। बुक आपको 50 से 40-50 रुपये मिल जाएगा आसानी से, उसको रिविजन पूरा कर लीजिए। जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं वहाँ पर पूरा रिविजन करो, कोचिंग सर की बात पूरी समझो और जितने भी क्वेश्चन है सारे आपने नोट कर लो। ठीक है, चलिए दोस्तों यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।